नमस्कार MP24 न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलते हैं सिवनी जिले के छपारा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली एक ऐसी आंगनवाड़ी केंद्र, जहां हमारे MP24 न्यूज चैनल के संवाददाता ने जब सर्वे किया तो वहां कुछ चौंकाने वाली चीजें सामने आई। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यह दृश्य एक आंगनवाड़ी केंद्र का है जो कि छपारा के हृदय स्थल पर स्थित है। इस बिल्डिंग का आप हाल देख सकते हैं, यहाँ की दीवारें इस कंडीशन में हैं, इस अवस्था में हैं कि वे कभी भी गिर सकती हैं। जर्जर दीवारों वाली इस आंगनवाड़ी केंद्र की छत का हाल तो और भी अधिक खस्ता है। टीन से बनी हुई यह छत कभी भी बच्चों के ऊपर गिर सकती है। कुछ 10 से 15 बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आते हैं, उनके पेरेंट्स, उनके अभिभावक उन्हें इस उम्मीद से यहाँ भेजते हैं कि यहाँ कुछ नया सीखने को मिलेगा, साथ ही साथ वे यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षित हैं। परंतु आंगनवाड़ी केंद्र का जब सर्वे हमारी टीम ने किया तो उन्होंने पाया कि यहाँ पर अध्ययनरत बच्चों का जीवन पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, कोई भी बड़ी दुर्घटना यहाँ घटित हो सकती है। हमारे संवाददाता ने जब जानकारी लेनी चाही तो आंगनवाड़ी सहायिका ने यह बताया कि इस बिल्डिंग के जीर्णोद्धार के लिए और नई बिल्डिंग को बनाने के लिए कुछ धनराशि भी आवंटित की गई है, किंतु नई जगह न मिल पाने के कारण यह धनराशि का उपयोग नहीं किया जा पा रहा है। हमारा सवाल यह है कि क्या शासन प्रशासन इस प्रकार मौन बैठा हुआ इस चीज का इंतजार कर रहा है, उस घटना का इंतजार कर रहा है जब दुर्घटना घटित हो और उसके बाद किसी प्रकार की प्रतिक्रिया की जाए, यह शासन के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। देखिए हमारे संवाददाता तौफीक खान की पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, आज हम सिवनी जिले के छपारा विकासखंड की सबसे बड़ी पंचायत छपारा में बैठे हुए हैं। यहाँ पर आज हम जिस जगह पर बैठे हुए हैं वो जगह आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 5 छपारा, जिसमें जिसकी व्यवस्थाएं हम देखने आए हैं। तो इसकी व्यवस्था में हमको देखने से लग रहा है कि ये किसी पंचायत का या गवर्नमेंट का या फिर किसी संस्था का नहीं, बल्कि एक ऐसी झोपड़ी है जहां जानवरों को रखा जाता है। लेकिन यहां पर ये बात सच नहीं है। यहां पर ये छोटे छोटे बच्चे जो यहां पर अपने सीखने और खेलने के लिए आते हैं, हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और उनके साथ सहायिका। हम उनसे कुछ सवाल करना चाहेंगे कि ये भवन यहाँ कब से लग रहा है और इसकी हालत इतनी जर्जर क्यों? ये आंगनवाड़ी केंद्र यहाँ कब से चल रहा है? सर 3 साल हो गए। तो इससे पहले ये कहाँ लगता था? सर मिथिलेश सयाम के घर में, वहाँ भी किराए से था क्या? जी सर। और ये आंगनवाड़ी केंद्र जो है ये यहाँ खुद का है या ये भी किराए से है? ये भी किराए से है। इसका किराया कितना जाता है? 500 रूपए। अच्छा, तो ये किराए के 500 ही रूपए आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से या कुछ ज्यादा पैसा आता है? 700 रूपए आता है सर, पर मुझे 500 रूपए दिया जाता है कि यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है और पंखे की व्यवस्था नहीं है, पानी नहीं है करके 500 रूपए दिया जाता है मेरे को। यानी आपके खाते में सिर्फ 500 रूपए आते हैं यहाँ किराए देने के लिए? मकान मालिक के खाते में। मकान मालिक के खाते में, चलिए जी। तो यहाँ की जो स्थिति है, ये स्थिति के लिए आपने कोई कोशिश नहीं की है जो यहाँ सुधार कार होना चाहिए या फिर कुछ आपने अपने ऊपर वाले अधिकारियों को बोला हो? कुछ बोला आपने अभी तक? सर मैं 15 साल से ग्राम सभा में, ग्राम पंचायत में जो भी मंत्री आ रहे हैं सबको आवेदन दे रही हूँ कि मेरी आंगनवाड़ी बनाई जाए, मुझे इतने कम किराया में, मेन मार्केट के अंदर मेरी आंगनवाड़ी, मुझे 500-700 रूपये में कोई घर नहीं देता, 2500-3000 में यहाँ कमरे हैं। जी सर, 2 साल से ग्राम पंचायत में भवन बनाने के लिए पैसा आके रखा हुआ सरपंच महोदय के पास। मैंने कई बार सरपंच महोदय के यहाँ जाके संपर्क करी कि मैडम जी मकान बना दो, मुझे 500-700 रूपये में यहाँ कोई घर नहीं देता, मैं बहुत परेशान हूँ यहाँ आंगनबाड़ी भवन के लिए। तो मैडम का यही कहना है कि यहाँ ठीक है, अभी 2 दिन में 4 दिन में यहाँ भूमि पूजन होने वाला है,
8 दिन में भूमि पूजन होने वाला है। ऐसा करते करते साले 1 साल हो गया। परियोजना से मुझे जानकारी लगी थी कि छपारा में 2 आंगनबाड़ी स्वीकृत हुई है, 1 संजय कॉलोनी के लिए, 1 माता वार्ड के लिए, तो 8-8 लाख की राशि आई है। तो संजय कॉलोनी का भवन तो सर बन चुका, माता वार्ड का नहीं बना है। तो मतलब अभी तक पिछले जो 2 साल से जो राशि आई हुई है उसका अभी तक कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है। जी सर, अब वो सरपंच महोदय बताएं। जी, और जो भवन है हमने अभी देखे, भवन को चारों तरफ से घूम के, भवन बहुत ज्यादा गिरी से गिरी कंडीशन में, जब बारिश होती होगी तो पूरा पानी नीचे आता होगा, उस कंडीशन में आप क्या करते हैं? आप आंगनवाड़ी बंद रखते हैं या फिर भी बच्चों को बुलवाते हैं आप आंगनवाड़ी? नहीं सर, आंगनवाड़ी तो मैं लगाती हूँ क्योंकि टीन है, टीन से पानी तो अंदर आता नहीं है, पानी निकल जाता है। अच्छा। और मैं सारी सेवा यहाँ दे रही हूँ अपने हितग्राहियों को, पीएच वार्ड बांटना, टीकाकरण कराना, बच्चों को बुलाना, ये थोड़ा सा बाग बगीचा लगा के रखी हूँ मैंने। कल को यदि ये दीवार जो बहुत कमजोर है गिर जाएगी तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? अब सर इसकी जिम्मेदारी तो मेरी होगी, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मुझे 700 रूपए 500 रूपए कोई यहाँ घर नहीं देता। 2000-2500 रूपए मिले तो मैं अब भी घर बदल लूँ किसी का भी। जी, अरुति ठाकरे, मैं आंगनबाड़ी सहायिका हूँ। यहाँ पर अभी आपको जो जब आपके ऊपर के अधिकारियों ने आपको बोला कि आप दूसरा कमरा चेंज कर लीजिए, आपके रजिस्टर पे भी टिक लिख के जाते हैं वो कि आप कमरा चेंज कर लीजिए, तो आपने क्या किराए का कमरा ढूंढा? जी, हमने बहुत कमरा ढूंढा, पूरे पड़ोस में इधर उधर सभी तरफ देखा, लेकिन इतने कम किराए में हमको रूम मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था, परेशानी जा रही थी हर तरफ ढूंढे, लेकिन इतनी कम कीमत में कहीं से कहीं तक हमको मिल ही नहीं रहा था। ध्यान दिया जाए कर। और कितने लगभग कितने किराए तक के कमरे मिल रहे थे आपको? सर 1000 से ऊपर, 12-2000 इस टाइप के कमरे मिल रहे हैं, इतना सस्ता में कोई दे ही नहीं रहा है। और यहाँ जो अभी इतने एक सिंगल कमरा जो है, जो आधा कमरा तो डैमेज है आपका, इतनी जो जगह दिख रही है, इस इतनी जगह में आप कितने बच्चों को मैनेज करते हैं? सर 15-16 तो हो ही जाते हैं, इससे भी ज्यादा आते हैं, परेशानी हो जाती है इनको फिर बिठाने की, सिंगल कमरे में वहीं पर सब लिखा पड़ी ये सब चलता है तो दिक्कत हो जाती है, इसलिए जल्द से जल्द आंगनबाड़ी के लिए कोशिश किया जाए। कैमरामैन संदीप सिसोदिया के साथ मैं तौफिक खान, MP24 न्यूज छपारा से।